हेलो भाई, वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो हमारा ये जो लेक्चर है आज का, वो लास्ट लेक्चर है हमारे CAG's ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, जिसमें हम परफॉर्मेंस ऑडिटिंग की जो गाइडलाइंस हैं और जो कंप्लायंस ऑडिटिंग की गाइडलाइंस है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, सिलेबस में ये हमारे टॉपिक फर्स्ट का ही पार्ट है, CAG's ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 2017। कंटेंट्स ये हमारे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स का पार्ट है, जिसके तीन पार्ट्स हैं हमारे, फाइनेंस ऑडिट और परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट्स। तो हम हमारे लेक्चर में आज करेंगे परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, ये हमने देखा था। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब क्या है कि हम एक जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो भी हमारे PSCs वगैरह काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, स्कीम्स हैं, ऑन थ्री बेसिस: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब कि हम कम पैसों में अच्छा काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब कि हम कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट को प्रोवाइड कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस है कि जो हमने आउटकम डिसाइड किया था वो हम अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा, अगेन मैंने एग्जाम्पल दिया था, राइट टू एजुकेशन का है। सिर्फ ये नहीं है बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकिन आउटकम ये है कि बच्चों की जो है पढ़ाई भी, वो भी इम्प्रूव हो गई है, उसकी क्वालिटी। ठीक है, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि आपने प्रमोट करना है इकोनॉमिकल, इफेक्टिव और एफिशिएंट गवर्नेंस को। ठीक है, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट अगर कहीं होता है तो अकाउंटेबिलिटी आती है और ट्रांसपेरेंसी आती है। अकाउंटेबिलिटी कैसे, कि जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर वो डिजायर्ड आउटकम को नहीं ला पा रहे हैं तो वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, अगर कहीं भी गड़बड़ हो रही है तो। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी आती है, जब आपको मालूम है कि कोई आपके आके परफॉर्मेंस को चेक करेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट का, बेसिकली यही है कि आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप हेल्प करते हैं हमारे लेजिस्लेचर को, आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ये दिखाता है कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं एग्जीक्यूटिव ने या फिर जो लेजिस्लेचर में लिए गए हैं, उनकी जो इंटेंशन थी वो डिसीजंस को लेने के लिए, वो हम ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके पैसों की ड्यू वैल्यू हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली जो परफॉर्मेंस ऑडिट है ये उन एरियाज के ऊपर फोकस करता है जो कि एक सिटीजन की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हम लेजिस्लेचर ने क्या इंटेंशंस और डिसीजंस लिए थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं शॉर्टकमिंग तो नहीं हो रही है। अगेन, जैसे कि हमारी सौभाग्य स्कीम है जिसमें हमें बिजली प्रोवाइड करनी है हर घर में, तो जो इंटेंशन थी हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उसकी, लोगों को बिजली क्यों नहीं पहुंच रही, लोग कनेक्शंस नहीं लगवा रहे हैं या फिर लोगों के घर में मीटर नहीं लगा है या फिर वो कुंडी कनेक्शंस कर रहे हैं, वो चीज़ों को हम चेक करेंगे। ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्टिव इंसेंटिव भी होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टीज के लिए, उनको भी फायदा होता है इससे, जो भी उनको यहाँ से वो मिलता, ओपिनियन मिलता है। ठीक है, फिर जो परफॉर्मेंस ऑडिट है ये ट्रांसपेरेंसी कैसे प्रमोट करता है, बिकॉज ये सभी स्टेक होल्डर्स को एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि जो गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, सो पर्सपेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट का, तो सबसे पहला यही है कि अगर आपने ये परफॉर्मेंस कंसिडरेशन को चेक करना है, किस बेसिस के ऊपर आप वो ऑडिट करेंगे, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिटिंग में हमारा जो फोकस होता है वो एक्टिविटी के ऊपर होता है और रिजल्ट्स के ऊपर होता है, ना कि हम उनका वहाँ पे देख रहे हैं कि उनके अकाउंट्स कैसे थे या क्या था। ठीक है, मेन हमारा जो फंक्शन है वो यही है कि हम इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, सो ओवरलैपिंग ना हो जाए तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं परफॉर्मेंस ऑडिट के, वो पार्ट हो सकता है एक्सटेंसिव ऑडिट का। ठीक है, जो कि कंप्लायंस और फाइनेंशियल ऑडिटिंग के जो एस्पेक्ट्स है वो भी ये कवर कर सकता है, और अगर ओवरलैप भी हो गया है तो आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, वही आपको गाइड करेगा आपके फर्दर ऑडिटिंग को करने के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट और एश्योरेंस, बेसिकली हमने पहले पढ़ा था कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट होते हैं वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स होते हैं। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स में क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो खुद ही सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करता है, खुद ही क्राइटेरिया को डिसाइड करता है और उसके बेसिस के ऊपर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। ठीक है, और अपना जो भी है ओपिनियन जो है वो दे देता है। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है जो कि इनको अचीव करना है, वो आप कैसे कन्वे करेंगे अपनी रिपोर्ट के थ्रू? एक तो आप ओवरऑल व्यू दे देंगे कि ठीक है हमने ओवरऑल चेक किया ये स्कीम को और सब कुछ ठीक आ रहा है, या फिर आप पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमी तो है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है आप सस्ते में काम तो करवा रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि 10 लोग जहाँ पे
एक दिन में, जैसे कि हम बोलते हैं कि हाईवेज में अभी जो हमारी हाईवे कंस्ट्रक्शन पर डे है वो 30 किलोमीटर्स हो चुका है पर डे, और पहले ये बहुत कम था। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे आपकी जो लेबर की एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है आपकी। ठीक है, तो आप ऐसे इंडिपेंडेंट पॉइंट्स के ऊपर भी कमेंट दे सकते हैं, या फिर आप ओवरऑल व्यू भी दे सकते हैं अपना, राइट। और ऑडिट रिस्क में आपने परफॉर्म, ऑडिट रिस्क हमने यही था कि हम कोई अनबैलेंस्ड ओपिनियन या फिर इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन ना दे रहे, तो वो ऑडिट रिस्क हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट में भी रहेगा। यहाँ पे जो ऑडिट रिस्क है वो किस नेचर का होगा कि हम कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्कीम में काम हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है नहीं है, टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, टीचिंग मेथड इंप्रूव हुआ है, हम कुछ भी पर्सपेक्टिव नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑडिट में ऑडिट रिस्क इस नेचर का हो जाता है, राइट। अच्छा, इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे रिस्क के, उसमें यही होगा कि पहले तो यही है कि कॉम्पिटेंस ही नहीं है। ऑडिट रिस्क क्यों आएगा कि जिस पर्सन को, ऑडिटर को आपने भेजा है उसमें कॉम्पिटेंस ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, या फिर उस आपके पास क्वालिटी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या फिर आपको इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिली हुई है। ठीक है, अब सारे फाइंडिंग्स जो आ गई हैं, जैसे कि आपने सर्वे किया, परफॉर्मेंस ऑडिट में एक पार्ट होता है सर्वे भी किया जाता है, आपने सर्वे किया लेकिन आप वो सर्वे को आप एक पूरे पर्सपेक्टिव में कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑडिट रिस्क हो सकते हैं, और ऑडिटर्स को जो है इन रिस्क को एक्टिवली मैनेज करना है। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स कैसे होंगे, तो पहले तो आपने जो भी टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है वो अपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करना है, आपने देखना है कि क्या क्या पोटेंशियल टॉपिक हो सकते हैं, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और जो भी आपने टॉपिक्स को चूज़ करना है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए टॉपिक, और जो हमारे साई के मैंडेट है उससे कोरिलेट करना चाहिए। ठीक है, जो टॉपिक सिलेक्ट आपने किया है उसका एम क्या होगा कि मैक्सिमम आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं आपका जो इम्पैक्ट है ऑडिट का वो। ठीक है, आप इसमें फॉर्मल टेक्निक्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉब्लम असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसमें प्रोफेशनल जजमेंट को भी एड ऑन करना है ताकि आप एक वन साइडेड असेसमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस ऑडिटिंग होते हैं ना वो हमेशा ऑडिट स्पेसिफिक होता है, सब्सटेंटिव होता है, और उसमें एक मेथडोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि ऑडिट का करने से पहले आप एक पायलट स्टडी करो किसी चीज़ की, कि हाँ इस चीज़ की, जैसे हम थीमेटिक ऑडिट बोलते हैं, किसी थीम को ऑडिट करने गए हैं, तो परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो ज़्यादा डिटेल में हमारा चला जाता है कि परफॉर्मेंस ऐसा भी नहीं है कि एक ही साल में लगाया और एक ही साल में हम एक्सपेक्ट करें कि सारे बच्चों की एजुकेशन इम्प्रूव हो गई है। तो पहले तो ये है कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट से पहले आपको एक प्री स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, एक पायलट स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप परफॉर्मेंस ऑडिट को करना स्टार्ट करेंगे, राइट। नॉर्मली हम 5 साल का टाइम पीरियड लेते हैं जब हम परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए जाते हैं। अब इसमें आता है कि आप परफॉर्मेंस ऑडिट का डिज़ाइन कैसे होगा, तो अगेन सारा जो कुछ चीज़ें कॉमन ही रहेंगी हमारे, कि आपको ऐसे ही प्लान करना है कि आपका हाई क्वालिटी ऑडिट हो जाए और आपका ऑडिट भी इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवली टाइमली मैनर्स के ऊपर हो जाए। ठीक है, आप इसमें रिसर्च वर्क भी करेंगे ताकि आपको एक नॉलेज बेस मिले। अब बेसिकली जैसे हमारे फाइनेंस ऑडिट में था, वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग का सीन नहीं था, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन बनी बनाई मिली हुई है, तो ईजी है कि सबको स्टडी किया और अपना ओपिनियन दे दिया। परफॉर्मेंस ऑडिट थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको खुद से ही रिसर्च वर्क करना है, खुद ही आपने ऐसे ऑडिट डिज़ाइन को बनाना है जहाँ पे आप एक अच्छा कंक्लूजन को निकाल सकें। ठीक है, तो जब आप ऑडिट को प्लान करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है कि आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिस भी जगह का आपने वो करना है, आपको खुद को क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए सर्वे में, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास प्रॉपर स्टाफिंग स्किल्स रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, बिकॉज एज सच परफॉर्मेंस ऑडिटिंग थोड़ा मुश्किल होता है, तो जो कॉम्पिटेंट ऑडिटर्स हैं उनको ही लगाना चाहिए परफॉर्मेंस ऑडिट में। ठीक है, अब ऑडिट की अप्रोच क्या रहेगी, अब ऑडिट को जो ये सोचना है कि उनको कैसा अप्रोच चाहिए, कि रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है, या फिर सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, या सभी को कंबाइन करके वो एक अपना ऑडिट को डिज़ाइन कर लेगा। ठीक है, नॉर्मली हम 3 अप्रोचेस लगाते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट में, तो आपका ये MCQ भी बन जाता है। जैसे कि एक होता है सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच, जहाँ पे ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना उसको हम एग्जामिन करते हैं कि ये जो काम कर रहा है या ठीक से या नहीं कर रहा है।
रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच में है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी हमने डिसीजन लिया था, जिस पर्पस के लिए वो डिसीजन लिया था, क्या वो पर्पस, वो आउटकम या आउटपुट हमें मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई है तो क्यों हुई है, क्या डेविएशंस थे हमारे क्राइटेरिया के, ठीक है, उसको हम एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। और ये जो अप्रोचेज हैं, ये दो तरीके, दो पर्सपेक्टिव से हो सकता है। तो परफॉर्मेंस ऑडिटिंग में दो पर्सपेक्टिव है, ये भी आपके एमसीक्यू बन सकता है, या तो वो टॉप डाउन पर्सपेक्टिव होगा या वो बॉटम अप पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। जो टॉप डाउन ऑडिट्स हैं वो कंसंट्रेट करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स ठीक हैं, ऑब्जेक्टिव्स ठीक है, मतलब एक ब्रॉडर वे में इंटेंशंस क्या थी, एक्सपेक्टेशंस क्या है लेजिस्लेचर के। और जो बॉटम अप पर्सपेक्टिव है वो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करता है जो कि लोगों से जुड़ी है या कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा? जब आप प्लान करें अपने ऑडिट को, तो अपने प्रोसीजर को भी आपने ऐसे डिजाइन करना है कि आपको एक ढंग का ऑडिट एविडेंस मिल जाए आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये, आप कैसे कर सकते हैं, आप पहले देखेंगे ओवरऑल ऑडिट डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस पूछना है, आपने टिक मार्क वाले क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑब्जेक्टिव है, डिस्क एक्सप्लेनेटरी पूछना है, लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आप खुद लोगों को ऑब्जर्व करके आएंगे, खुद चीज़ों को देख के आएंगे, या फिर आप आगे जो वहाँ पे अथॉरिटीज है उनसे डिस्कस करेंगे, आपकी डाटा कलेक्शन टेक्निक्स कैसे होंगी, आपने क्वेश्चनेयर बनाना है, आपने रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करना है, इंटरव्यू लेना है लोगों का, तो ये आप इन चीज़ों के हिसाब से अपने ऑडिट को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डाटा कलेक्शन मेथड लेना है या फिर कोई सैम्पलिंग टेक्निक लेनी है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो आपका सैंपल ऐसा हो जो पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। फिर आपको एक क्राइटेरिया भी चाहिए, आपने सब्जेक्ट मैटर तो डिसाइड कर लिया, वो क्राइटेरिया भी चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे, ठीक है। उसमें भी आप काफ़ी सारे सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, और आप जो अपना क्राइटेरिया है आप उसको डिस्कस भी करेंगे ऑडिटेबल एंटिटीज़ के साथ में, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन आपका ही होगा कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, राइट। अब है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में यही है कि हम ऑडिटर्स को ऐसे प्रोसीजर्स कराने हैं कि जो उनकी ऑडिट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन कर सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका जो ऑडिट है वो इन्फ्लुएंस हो जा रहा है दूसरे से, उसमें इंडिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो वो चीज़ें भी आपने इसमें अकोमोडेट करनी है जब आप ऑडिट करने जाएंगे, राइट। तो कुछ इश्यूज़ को आपने जो ध्यान में रखना है परफॉर्मेंस ऑडिट में, वो यही है कि जो ऑडिट टीम है उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और उनको काफ़ी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उतना ज़्यादा आपको उसमें टाइम एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको समझने के लिए, किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुँचने के लिए। तो एज सच क्वालिटी कंट्रोल का पूरा ध्यान रखना है कि आपके पास वही केडीज हैं जो कि रेलिवेंट हैं, बहुत ज़्यादा ना आ जाएं, बिकॉज एक तो आपका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, दूसरा ये वैसे ही इनडेप्थ एनालिसिस हो जाती है, ठीक है। तो अगर परफॉर्मेंस ऑडिटिंग में चाहे आपकी जो रिपोर्ट है वो एविडेंस बेस्ड है, पूरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो सफिशिएंट नहीं है कि आप जो है एक बैलेंस्ड व्यू दे पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जितना आपने क्वेश्चनेयर बनवाया, आपने तो 20 क्वेश्चंस का क्वेश्चनेयर बना लिया, लेकिन उसमें से जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 5 ही हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट आपका जो कंक्लूजन है वो 20 क्वेश्चंस के ऊपर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स है वो वेरी करते हैं ऑडिट एंगेजमेंट कैसे, जैसे कि आपका RTA में कुछ और होगा, आपका MGNREGA का कुछ और होगा, तो आपने जो जनरल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं उसको आपने कॉम्प्लीमेंट करने हैं अपने स्पेसिफिक मेजर्स के साथ में, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट में आपकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले तो ये है कि आपकी रिपोर्टिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव हो, कन्विंसिंग भी हो, रीडर फ्रेंडली हो और समझा जाए, ठीक है। लॉजिकली स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो भी रेलिवेंट आर्गूमेंट्स है वो आपने डिस्कस किया हो, आपने बताया हो कि क्यों हुई वो प्रॉब्लम, कैसे हुई वो प्रॉब्लम्स, और आपने कैसे जो कि उनकी परफॉर्मेंस को जिसमें डिस्करेज कर रहा था, कहीं रिकमेंडेशंस आपको लगती हैं देनी है तो वो भी आपकी रिपोर्ट में होनी चाहिए, ठीक है। आपकी रिपोर्ट एज सच कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज परफॉर्मेंस ऑडिट का जो पर्पस है वो यही है कि हम और इम्प्रूवमेंट लेकर आए किसी चीज़ में जो की जा रही है, राइट। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब है आपकी जो रिपोर्ट है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए कॉन्टेंट में भी और टोन में भी, ठीक है। और आप ये जब आप बैलेंस्ड व्यू अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तो आपने कैसे कोशिश करना है, आपकी जो आपने प्रेजेंट करना है जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उसको ऑब्जेक्टिवली और फेयरली, ठीक है, न्यूट्रल टर्म्स में बिल्कुल
कोई बायस्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आपने प्रेजेंट नहीं करना है, आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और व्यू पॉइंट्स भी मेंशन करना है, और आपने दोनों ही अच्छा जो काम किया है उन्होंने वो, और जो गलत काम किया है मतलब जो नेगेटिव उनका जो आपको फ्लॉज मिले हैं वो दोनों ही मेंशन करना है, और जहाँ बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे आपने उनको क्रेडिट भी देना है। ठीक है, रिकमेंडेशन यही है कि परफॉर्मेंस ऑडिट में आपने कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशन देनी है कि और अच्छा काम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है उसका सोल्यूशन आपने बता देना है, राइट। फिर वही है कि रिकमेंडेशन ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत ही फेयरी सा रिकमेंडेशन दे दिया जो कि इंप्लीमेंट होना ही बहुत मुश्किल है, तो रिकमेंडेशन भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के साथ में लिंक्ड होना चाहिए। जैसे कि आप रिकमेंडेशन कैसे दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा है जो कि पब्लिक सेक्टर ऑपरेशंस का कॉस्ट को कम कर दे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर दे, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दे, सर्विसेज को इम्प्रूव कर दे, तो ऐसे इस तरीके से आप रिकमेंडेशंस को दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑडिटिंग में फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब यही है कि जो ऑडिटर्स देखता है कि जो ऑडिटर एंटिटी है उन्होंने क्या करेक्टिव एक्शंस लिए हैं और वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है, जैसे कि एक बार ऑडिट हो गया उसके बाद जब अगली बार दोबारा टीम जाती है तो वो यही फॉलोअप करती है कि जो भी उन्होंने पॉइंट आउट किए थे लैप्सेस उनको ठीक कर लिया गया है। ठीक है, तो फॉलोअप में अपने कंसंट्रेट करना है कि क्या फाइंडिंग्स थी, क्या रिकमेंडेशंस अभी भी दिए गए हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट क्या काम किया गया है। आपको फॉलोअप का जो रिजल्ट आपने बनाया है वो आप इंडिपेंडेंटली भी बता सकते हैं कि इस टीम के अंदर ऐसा है, या फिर आप उसे कंसोलिडेट करके भी दे सकते हैं, राइट। तो वो सब जो हमने पढ़ा वो था हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट को लेकर। अब हम देखते हैं कंप्लायंस ऑडिट को लेकर क्या कहा गया है। सो कंप्लायंस ऑडिट का मतलब क्या है कि आप इंडिपेंडेंटली असेस कर रही हैं कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो कंप्लायंस में है, जो भी उसके ऊपर अथॉरिटीज एप्लीकेबल है, जैसे कि अगर वो PSU है तो वो कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, जो भी लॉज रेगुलेशंस बने हुए हैं बेसिकली उसको कंप्लाई कर रही है वो या नहीं कर रही है, हम ये देखेंगे। ठीक है, सो कंप्लायंस ऑडिट में हम दो चीज़ों को देखते हैं, तो आपका MCQ यही बन जाता है कि रेगुलरिटी की डेफिनेशन क्या है और प्रोप्राइटी की डेफिनेशन क्या है। रेगुलेटरी का मतलब है कि जो भी लॉज रेगुलेशंस वगैरह हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एज सिंपल। प्रोप्राइटरी का मतलब है कि ठीक है आप लॉज रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप विद इन द लॉज भी आपकी पावर्स को मिसयूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपको 100 रुपये खर्च करने के लिए दिया गया कि आप मशीनरी 100 रुपये की खरीद सकते हैं। प्रोप्राइटरी का पर्पस ये है कि आपको चाहे 100 रुपये मिले हैं लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कम से कम में अच्छा सा अच्छा लेके आए, कि आप अपने विजडम को अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो कंप्लायंस में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं हमारी। जैसे कि जो CAG की जो 2G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट थी वो बेसिकली जो हमने नोशनल लॉस निकाला था वो प्रोप्राइटरी ऑडिट के बेसिस के ऊपर लगाया था कि एग्जीक्यूटिव ने एक फाइनेंशियल प्रूडेंस और विजडम को यूज़ नहीं किया एलोकेट करने के लिए स्पेक्ट्रम को, जिसकी वजह से जो हमें प्रॉफिट हो सकता था वो हमें नहीं हुआ एसेट, इसीलिए उसको नोशनल लॉस कहा गया। ठीक है, तो वैसे कंप्लायंस ऑडिटिंग में जो मेन फोकस है वो रेगुलरिटी का ही है लेकिन प्रोप्राइटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेक्टर कंटेक्स्ट में। ठीक है, विद सम एक्सेप्शंस, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कंप्लायंस ऑडिट का, सबसे पहला यही है कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। ठीक है, कि जो फंड्स हैं उसको सही से यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी भी आती है कि अगर सही से यूज़ नहीं किया जा रहा तो वो आंसरेबल है कि क्यों डेविएशंस हुई है फंड्स के यूसेज के लिए। ठीक है, गुड गवर्नेंस भी आता है इससे, क्योंकि आपको वीकनेसेस पता चल रही हैं कि हमने पैसा जो है, जैसे कि अब ये था कि जो PDS स्कीम है उसमें गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करती है। ठीक है, FCI को पैसे देती है, FCI आगे देती है, तो लेकिन डाइवर्जन ऑफ फंड्स देखने को मिल रहा था, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब DPT स्कीम ले आए। ठीक है, तो हमने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया कि फेक बेनिफिशरीज आ रहे हैं या फिर पैसा डाइवर्ट हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो वो कंप्लायंस ऑडिट में हमें पता चल गया। ठीक है, तो इसमें वो रिस्क ऑफ फ्रॉड्स को भी हम चेक करते हैं, राइट। पर्सपेक्टिव्स क्या है कंप्लायंस ऑडिट का, तो कंप्लायंस ऑडिट बेसिकली ये किसी कंबाइंड ऑडिट का पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑडिट भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम कंप्लायंस ऑडिट को देख लेंगे। जैसे कि कोई भी जो स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है क्या उसको, ठीक है उसकी जो हमारी आउटकम डिज़ायर थी वो तो आ रही है लेकिन उसके लिए जो रूल्स बनाए गए थे क्या वो भी फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
तो आप कंप्लायंस ऑडिट को करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस सही दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस अदर देन है हमारे वो अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आप सेपरेटली भी बता सकते हैं, अलग से करवा सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग के साथ भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, अब है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कंप्लायंस ऑडिट करवा रहे हैं, मतलब कि हम फाइनेंशियल ऑडिट के साथ में कंप्लायंस ऑडिट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा? तो बेसिकली वही है कि जो भी लेजिस्लेचर होता है वो कुछ लॉज बनाता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑडिट में हमें वही देखना है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी लॉज वगैरह अप्लाई हो रहे हैं, जो भी इंडेक्स अप्लाई हो रहा है, या कुछ भी हमारे गसाब्स के जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, तो वो किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर वो इंडिपेंडेंटली करवा रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंटली भी अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, सिंपल। और अगर वो परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ हो रहे हैं तो जो कंप्लायंस का मतलब आपने जो इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस सभी में आपने उसको चीज करना है। ठीक है, तो जब आप कंबाइंड ऑडिट करते हैं ना कभी भी, तो ऑडिटर्स को हमेशा प्रोफेशनल जजमेंट को डिसाइड में करना है कि आपका जो प्राइम फोकस वो परफॉर्मेंस है या कंप्लायंस है। ठीक है, कि आपने क्योंकि उसी हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स को लगाना है, राइट। अब कंप्लायंस ऑडिट में हमारी इंगेजमेंट कितने तरह की होती है? तो कंप्लायंस ऑडिट में दो तरह की इंगेजमेंट हो सकती है, या तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट हो गई या तो अटेस्टेशन इंगेजमेंट हो गई। ये हमने पहले भी पढ़ा था। डायरेक्ट रिपोर्टिंग में ऑडिटर खुद ही सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन बनाएगा, अटेस्टेशन इंगेजमेंट्स में उसके पास सारा कुछ होगा, उसको सिर्फ अपना ओपिनियन को देखना है। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑडिट में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, राइट। फिर है ऑडिट रिस्क। अब जो ऑडिट रिस्क हमारे अगेन वही है कि आपकी इन्फॉर्मेशन इनअप्रोप्रिएट ना हो जाए। तो आपके यहाँ पे जो ऑडिट रिस्क है हमने देखा था परफॉर्मेंस ऑडिटिंग में तीन तरह के हो सकते हैं, या तो वो इनहेरेंट रिस्क होगा, या कंट्रोल रिस्क होगा, या डिटेक्शन रिस्क होगा। ठीक है, तो वो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब है आपका मटेरियलिटी। अब ये एस्पेक्ट मटेरियलिटी कंप्लायंस ऑडिट में क्या आएगी? तो इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव तो ये है कि पैसे की कहीं गड़बड़ हो गई है। ठीक है, जैसे कि इसको खर्चा करने की जो लिमिट थी वो 100 करोड़ सी थी, उन्होंने 200 करोड़ खर्च दिया है। ठीक है, क्वालिटेटिव ये है कि आपने वही प्रोप्राइटी वाला जो एस्पेक्ट है वो इसमें आ जाता है हमारा। ठीक है, तो आप प्लान कर रहे हो ऑडिट को, इवैल्यूएट कर रहे हो एविडेंस को, तो उस केस में हर जगह आपको मटेरियलिटी को देखना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा रिस्क असेसमेंट। सी, हमारी हेडिंग सारी सेम ही रहेंगी, लेकिन इन सब हेडिंग्स के अंदर हमने किस ऑडिट में क्या देखना है उसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। और रिस्क असेसमेंट में यही देखना है कि कहाँ कहाँ पर नॉन कंप्लायंस वाला रिस्क हो सकता है। जैसे कि एक रिस्क हो सकता है कि जैसे GST एक्ट है तो उसमें इतनी अमेंडमेंट्स, इतनी चेंजेस आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है कि कोई अमेंडमेंट को शायद जो है कंप्लाई ना किया गया हो। ठीक है, तो ऑडिटर को ये ध्यान में रखना है। फिर नॉन कंप्लायंस कई बार ये भी हो सकता है कि जानबूझ के हुआ हो, कि फ्रॉड है, एरर है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको वो भी देखना है। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर वो आपने असेस करना है, राइट। रिस्क ऑफ फ्रॉड, अब्यूज एंड नॉन कम्प्लायंस। अब आपको जो कंप्लायंस ऑडिट में आपको तीन तरह के इसका ध्यान रखना है। एक तो है कि फ्रॉड कहीं ना हो, अब्यूज ऑफ पावर ना हो, नॉन कम्प्लायंस ना हो। फ्रॉड में यही है कि अपनी पब्लिक अथॉरिटी को आप अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप किसी फायदे के लिए उसको यूज कर रहे हैं। नॉन कम्प्लायंस का मतलब है कि कहीं भी रूल्स रेगुलेशन है वो वायलेट हो रहा है हमारा। ठीक है, और वैसे तो हमारा कंप्लायंस ऑडिट में फ्रॉड डिटेक्शन जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो आपने फ्रॉड को ध्यान में रख के ही करना है, राइट। अब है कंप्लायंस ऑडिट हो गया आपका, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? आपकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, टाइम पे आनी चाहिए। ठीक है, और एक इसमें क्वांटिटेटिव प्रोसेस है कुछ, कि जहाँ पे परफॉर्मेंस में कुछ और आ रहा है और उसका कंक्लूजन कुछ और आ रहा है तो वो भी आपने बताना है। ठीक है, कंप्लीटनेस का मतलब क्या है आपका? कि जितना भी रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस था वो सब आपने कंसीडर करना है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही है कि आपने प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को लगाना है कि जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो वो सारा कुछ करेक्ट है। टाइमलीनेस का मतलब है कि ड्यू टाइम पे रिपोर्ट को बना देना है। कॉन्ट्रडिक्टिव प्रोसेस का मतलब यही है कि आपने फैक्ट्स को, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स को चेक करना है, और जो भी जो मैनेजमेंट से रिप्लाई आया है उसको आपने अकोमोडेट करना है। ठीक है,
फॉर्म में भी कंटेंट में भी आपकी रिपोर्ट में ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो होने चाहिए। तो आपको ये प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे 5 हैं, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है कि कंप्लायंस ऑडिट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं, तो वो आपने बता देना है। ठीक है, फिर आपने जो कंक्लूजन देना है वो क्लियर होना चाहिए, कि साफ पता चलना चाहिए कि आप क्या ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, फिर फॉलो अप है कि अब जहाँ पे नॉन कम्प्लायंस हो गई है, जहाँ पे हमने देख लिया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की नॉन कम्प्लायंस हो गई है, ठीक है, ये जो जो कंपनी है वो बहुत ही पॉल्यूट कर रही है और वो जो लॉज वगैरह है उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो वहाँ पे हम फॉलो अप लेंगे कि जब हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, सारा कुछ हमने हाईलाइट कर दिया, अब वो उस रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ताकि अगेन करेक्टिव एक्शन को लिया जा सके। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारे जो सी ए जी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2017 है वो हमारे ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।